न्यूज़ सच जरूरी है। यह है मैंने न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं मैंने न्यूज़ टीवी। मैं हूँ आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। यह खबर संभाजीनगर से सामने आ रही है। दिल्ली में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और जन संगठन की ओर से पहलवानों की भूख हड़ताल। दिल्ली में पहलवानों की चल रही भूख हड़ताल को आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और जन संगठनों ने क्रांति चौक पर विरोध प्रदर्शन के माध्यम से समर्थन दिया। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपी भारतीय कुश्ती संघ के सांसद ब्रजभूषण सिंह की इस अवसर पर निंदा की गई और उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। अत्याचार केला क्या अगेंस्ट मध्ये आम्ही आज त्या सगळ्या संघटना मिळून तीव्र निदर्शने करत आहात आणि ते जर त्यांची खासदारकी जर रद्द नाही केली कारण छोटस काही मुद्दा झालं आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर ठाणे से सामने आ रही है। मैं सरकार से एक महिला बाल विकास मंत्री रखने का अनुरोध करती हूँ, रूपाली चाकनकर। हमारे पास आने वाली शिकायतों के लिए कानून बने जिससे महिलाएं समाज में सम्मान के साथ जी सके और अंधविश्वास हो तो भी साथ ही थाने में शिकायत दर्ज कराई जाए। एक महिला बाल विकास मंत्री के पद पर वंचित थी। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को ब्रेक की जरूरत होती है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि एक महिला बाल विकास मंत्री हो। वर्ष 2000 में लापता हुई लड़कियों की संख्या 535 है। लॉकडाउन के बाद कई महिलाएं मानव तस्करी के जाल में फंसी है। दुर्दैवाने खरंच महिला व बाल विकास मंत्री तरी महिला पाहिजे होती, पण दुर्दैवाने तिथे देखील पुरुष आहे। आम्हाला अपेक्षा होती की मंत्रिमंडळामध्ये एखादी महिला असेल जी महिलांचे प्रश्न मांडेल। आणि मला सांगायचे की कामाच्या वेळामध्ये म्हणजे 35% महिला या वर्किंग वुमन म्हणून काम करतात, पण त्या जेव्हा कामावरती असतात तेव्हा मासिक पाळीच्या वेळेस होणारा त्रास, मग मासिक पाळीमध्ये त्यांना सुट्टी मिळावी की न मिळावी याच्यासाठीच्या अनेक निवेदनं आणि शिफारसी आमच्याकडे आलेल्या आहेत। या संदर्भात चर्चासत्र घेण्यासाठी ज्यावेळेस महिला व बालविकास मंत्री महोदयांना बोलवलं, म्हणजे खरं तर मासिक पाळीचा त्रास काय असू शकतो, कसा असू शकतो, ही एक महिला व्यवस्थितरित्या सांगू शकली असती, पण त्या ठिकाणी सुद्धा पुरुष दिल्यामुळे आता हे प्रश्न विचारायचा कसा आणि त्यांनी काय प्रश्न मांडावेत हा एक प्रश्नच आहे। त्याच्यामुळे खऱ्या अर्थानं महिलांचे प्रश्न मांडण्यासाठी तरी महिला लोकप्रतिनिधी हवी होती, दुर्दैवाने नाहीये। माझी या सरकारला विनंती आहे की महिला प्रतिनिधी त्या ठिकाणी असायला पाहिजे होती। आइए पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर मुंबई शहर से सामने आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस की कार्रवाई में महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए। खारघर की घटना के मामले यह मानवता के लिए शर्मनाक घटना है। अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। राज्य सरकार बहुत बड़ा पाप कर रही है। प्रदेश में जाति और दंगे कराने की साजिश रची जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन चौकीदार की भूमिका निभा रहा है। कार्यपालिका में जिन जगहों पर दंगे हो रहे हैं वहां जाति की स्थिति में से हमारे लोगों को निपटना चाहिए। जब दिल्ली में महिला पहलवानों का विरोध चल रहा है तो देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों है? हम उस महिला पहलवान के साथ हैं। एमपीएससी को लेकर भी वही असमंजस और लचर प्रशासन है। हमने इस बारे में अधिवेशन में आवाज उठाई लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। हमने यह विरोध प्रस्ताव पेश किया कि पेपर फट गया और छात्रों का जीवन बर्बाद हो गया। महिलाओं के गायब होने पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। अगर वे गायब हो जाते हैं तो वे कहां जाते हैं,
क्या वह जीवन है? आप देश में कहा गए सरकार कृषि उद्योग को खत्म करने के लिए काम कर रही है। कांग्रेस 2 से 3 तारीख को हर विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा करेगी। हम योग्यता के आधार पर निर्णय लिए प्रस्ताव देंगे। विदर्भ में बीजेपी माइक्रो प्लानिंग, क्या माइक्रो प्लानिंग करने की जरूरत है? इसका मतलब है कि बीजेपी कमजोर हो गई है। विदर्भ हमेशा कांग्रेस के पक्ष में रहा है। महाविकास सबसे आगे तय होता है, बीजेपी सत्ता से हटाना चाहती है। राहुल गांधी के वीडियो का गलत मतलब निकाला जा रहा है। महापुरुष का राज्यपाल द्वारा अपमान होता था, उस समय वक्ता कहा थे भाजपा को बेकार के वादे छोड़ देने चाहिए महाराष्ट्र में, और जब गोवा गई तो काट कर खा गई। बंद होता है और उसका उदाहरण भी हमने बताया कि कैबिनेट में हुए डिसीजन, मंत्रिमंडल में जो हुए डिसीजन को मान्यता राष्ट्रपति महोदय देते, तो इतना घटनात्मक बड़ा पद है लेकिन महिला और आदिवासी राष्ट्रपति है, उसका अपमान करने का काम अगर बीजेपी करती है तो ये हम कदापि साफ नहीं करेंगे। उसका भी खड़ा हमने लिया। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने में जो बारिश हुई है, ओले गिरे हैं, उससे किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। सरकार ने अभी तक मदद नहीं की है, तो सरकार ने तुरंत किसानों को मदद करना चाहिए। बड़े पैमाने में किसान की आत्महत्या महाराष्ट्र में हो रही है, उसकी भी चिंता हमने व्यक्त की है। और बुराड़ी में नया प्लांट पावर प्लांट लाया जा रहा है, और पहले ही नागपुर एरिया में बड़े पैमाने में कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे समय में पुनः नया प्लांट लाना और वो भी 29 तारीख को उसका पब्लिक हेयरिंग रखा गया है, वो भी दोपहर 12:30 बजे। सरकार ने खुद ही ये किया कि कोई भी पब्लिक गैदरिंग हो और शाम को ली जाए, तो सरकार अपना ही नियम अपने हाथ से बदल देते हैं। आगर की घटना के बाद सरकार ने निर्णय लिया था लेकिन उसको इम्प्लीमेंट सरकार खुद नहीं कर रही। लेकिन मोदी जी के कुछ मित्रों की कोयला खाने हैं, उनको कैसा फायदा होगा? उसके लिए अगर वो नागपुर में पुराने में उस तरह का प्लान किया जाए, उसका विरोध करने की कांग्रेस पार्टी है ना। आपने पिछली बार 26 सीटें लड़ी थी, लेकिन कौन सी सीट पर आप, जैसे कि आपको लेकिन मेरिट के आधार पर फैसला हो, कृपया कुछ आज ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए मैनेज न्यूज के साथ। नमस्कार।